अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम राजा फ्रॉम ओपनस बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची। आज मैं प्रीसेंट 27 के अंदर बैरिया होम्स के नाम से, जो बैरिया के अपने तैयार करदा विलास है, वहाँ पे मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरी लेफ्ट राइट पे देख रहे होंगे कि जो इसकी रूफ टॉप जो है, इसका मार्बल वर्क यहाँ पे हम कर रहे हैं, और ये एक बड़ी टेक्निकल चीज थी कि जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के नोटिस में लाना भी जरूरी है कि रूफ टॉप के ऊपर, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन बैरिया की अपनी हुई हुई है, यहाँ पे हमें बहुत सारी कंप्लेंट सीपेज की आती है कि रूफ टॉप से जो है नीचे सीपेज आती है, जिसकी वजह से नीचे का जितना भी स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट होता है। खास खास जो बैरिया के अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे हम ब्लॉक मैसनरी जो है वो वॉल्स के अंदर उसका काम ब्लॉक्स का होता है, और ब्लॉक्स जो हैं वो सारे के सारे सीमेंट, रेत और मिक्स का एक मिक्सचर करके वो तैयार किए जाते हैं। जो ईंट की कंस्ट्रक्शन होती है वॉल्स की, उसके अंदर सीपेज बहुत कम चांस होता है सीपेज का, लेकिन ये जो ब्लॉक वाले जितने भी कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर सीपेज का ज़्यादा चांस होता है। अब जबकि कुछ ऐसे से हम देखते आ रहे हैं कि 2-4 साल से बहुत ज़्यादा बारिशें यहाँ पर हो रही हैं, तो फॉर दैट रीज़न इसके ऊपर अगर कहीं पानी खड़ा हो जाता है या कहीं भी कुछ छोटा सा अगर कोई लीकेज होती है, तो उसकी वजह से सीपेज नीचे तक जाती है। इवन के ग्राउंड फ्लोर की जो वॉल्स हैं वहाँ पर भी सीपेज हमें देखने को मिलती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए और अपने घर को महफूज करने के लिए मैं डेफिनेटली हर बंदे को ये चीज़ एडवाइज़ करूंगा कि आप अपने रूफ टॉप के ऊपर स्पेशली मार्बल वर्क जरूर करवाएं। उसकी वजह से ये है कि पानी अगर बारिश होती भी है मार्बल के ऊपर, तो वो स्लाइड करके सीधी ड्रेनेज में चली जाती है, पानी रुकता नहीं है, जिसकी वजह से नीचे सीपेज नहीं जाती है। अगर नीचे कोई ना कोई किसी वजह से सीपेज चली जाए, तो वो नीचे की दीवारों तक चली जाती है और एक लॉन्ग टर्म वो मौजूद रहती है, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि ब्लॉक मैसनरी है, तो उसके अंदर जो पानी की जज्बियत है वो ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा जज्ब होता है ब्लॉक्स के अंदर, और वो फिर नीचे तक सराइयत कर जाता है। फॉर दैट रीज़न हम लोग यही एडवाइज करेंगे कि आपके रूफ टॉप के ऊपर आप हमेशा अच्छा मार्बल का काम करवाएं, ताकि आप अपने पूरे घर को, अपनी इस प्रॉपर्टी को एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट के अंदर रखें। फर्दर मैं प्रीसेंट 27 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट विला की कंस्ट्रक्शन भी अच्छी खासी हो रही है। इसी तरह हमारे दीगर यूनिट भी यहाँ पे 27 के अंदर, तकरीबन एक यूनिट हमारा भी फिनिशिंग स्टेज पे है, दूसरा भी हमने रिसेंटली उसको प्लिंथ की स्टेज से निकाला है। अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, तो मार्केट वैल्यू भी इस वक्त जो है प्लॉट की अगर हम बात करें, 125 स्क्वायर यार्ड की यहाँ पे कटिंग है, जो कि तकरीबन आप कह लेंगे अप्रोक्सीमेटली 30 लाख से लेके तो 60-80 तक एज पर लोकेशन, जो मेन जिना के फ्रंट के जो प्लॉट्स हैं वो उनकी जरा हाई वैल्यू है, लेकिन अगर हम बैक साइड पे देखते हैं या इसकी जो बाउंड्री वाली साइड आती है, तो वहाँ पे प्लॉट की वैल्यू कम है। इसी तरह इस तरफ अभी बैरिया ने यहाँ पे पिछले 27 के अंदर न्यू कटिंग भी लॉन्च की है, जो कि एक न्यू डेवलपिंग एरिया है, वहाँ पे भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इसी तरह प्लॉट के लिए। फर्दर अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो 125 स्क्वायर यार्ड की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है 27 के अंदर, जो कि अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 20-30 लाख तक जाती है, एज पर क्वालिटी, एज पर स्टैंडर्ड। अच्छी कंस्ट्रक्शन अगर आप करवाते हैं, तो कम से कम भी आपको 10 से 1 20 तक का माइंड अपना जो है बनाना चाहिए। इससे कम में जब आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, तो डेफिनेटली उसके अंदर क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी, और ये चीज़ मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि घर एक ही दफ़ा बनता है, तो घर बनाने के लिए बजट को मैनेज करें, ना के सस्ते की तरफ जाएं। फर्दर कोई भी अगर आपकी क्वारी हो, या कोई मेंटेनेंस का काम हो, या कंस्ट्रक्शन के वाले से आपकी कोई क्वारी हो बैरिया टाउन के अंदर, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।